देशवासी हैं, भाई हैं मेरे, दर्द होता है, तकलीफ हमें भी होती है, तड़प वहाँ हो रही, दर्द यहाँ हो रहा है, लोग मर मार रहे। क्यों जल रहा है मणिपुर, क्यों लगी हुई है आग, क्यों भाई भाई का घर जला रहा है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या हो रहा है मणिपुर के अंदर, जो लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि हमें बचाओ, लेकिन केंद्र सरकार का रवैया वही ढुलमुल, वही ढीला ढाला रवैया है। मैं बता दूं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो एक ब्रांच है दिल्ली की, MYL, जिसमें यूथ ब्रिगेड है, उसने दिल्ली के जंतर मंतर पर बात उठाई है। मैं डेमोग्राफी की बात करूं तो मणिपुर की जो डेमोग्राफी है उसमें मुख्य रूप से तीन तरह की कम्युनिटीज़ हैं, तीन समुदाय हैं, नागा, कुकी और मैतई। लड़ाई दो समुदायों के बीच शुरू हुई, कुकी और मैतई, लेकिन पिसा कौन, पिसा पांगल कम्युनिटी, जो अल्पसंख्यक मुस्लिम है, जो मैतई में आते हैं और नीचे का जो वैली का एरिया है उसमें रहते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उनको हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, पीने को पानी नहीं है, लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं। सर, क्यों लगा आपको दिल्ली के जंतर मंतर में, पहले अपना परिचय दीजिए और आपकी जो विंग है उसका बारे बताइए। मैं शेख कैसल हसन, जनरल सेक्रेटरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML, और इसकी जानिब से MYL, जो हमारी यंग यूथ ब्रिगेड है, हमारी मुस्लिम लीग यूथ, उसने और पार्टी ने ये तय किया कि इनका साथ कोई नहीं दे रहा है, उठा के कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, जिसकी आवाज़ उठाई जा रही है, जो उसकी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबाई जा रही है। तो देशवासी हैं, भाई हैं मेरे, दर्द होता है, तकलीफ हमें भी होती है, तड़प वहाँ हो रही, दर्द यहाँ हो रहा है, लोग मर मार रहे, उसका कह रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि जो लड़ाई है वो मैतई बहुसंख्यक जो हिंदू हैं और जो कुकी बहुसंख्यक जो ईसाई हैं उनके बीच में है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बचाने की कोशिश कर रही है, शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो पिस रही है दो गांवों के बीच। लड़ाई तो मणिपुर के अंदर दंगा फैलाया गया है, अच्छा, दंगा था नहीं, दंगा बनाया गया है। वही बात शांति से आराम से हो सकती थी अगर गवर्नमेंट चाहती तो। गवर्नमेंट ने जहाँ भी जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो बिल्कुल उसमें नाकामयाब है, बिल्कुल विफल है, उसको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी भी हाल में सरकार वहाँ से अपना इस्तीफा दे और उसके लिए राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू होना चाहिए। उन पर चीज़ नहीं समझ रही, मणिपुर जल रहा है, उसके अंदर मुस्लिम पिस रहा है जो 10 से 11% है, उसमें जो मेन हमारा क्रिश्चन है वो पिस रहा है, हिंदू के एक मंदिर जलाए जा रहे हैं, मस्जिद छोट हो रही है, कोई भी आप मोटी बात है, आटे के साथ घुन पिसता है, ठीक है, यही हो रहा है, दो पार्टों में, वही दो पार्ट में घुन पिस रहा है साथ साथ, और देश में दंगा होता ही क्यों है, दंगा कराता कौन है, इसको थामने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अब तक क्या प्रयास किए हैं, मुझे कोई बताएगा इसके बारे में? अगर प्रयास जारी होते तो वहाँ पे जो सैकड़ों लोग मर चुके हैं, वो अब तक वहाँ पे एक भी ना, वहाँ से एक ना मरता, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, कोई भूख से मर रहा है, कोई प्यास से मर रहा है, कोई पैदल पहल कर रहा है, 300 किलोमीटर पैदल जा रहा है, कोई बंगाल जा रहा है छोड़ के, कोई आसाम जा रहा है, ये हो क्या रहा है देश के अंदर भाई, ये देश कहाँ जा रहा है, देश के अंदर ही लोग रेफ्यूजी हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आपने कहा कि बंगाल जाना पड़ रहा है लोगों को, या इधर उधर जा रहे हैं, आसाम में आ रहे हैं लोग। डेमोग्राफी क्या है थोड़ा सा हमें बताइए, पूरा मसला क्या लगता है आपको, क्या हुआ था, क्योंकि इतना तो हमें पता है कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसमें मैतई कम्युनिटी के लिए 4 हफ्तों का समय दिया गया सरकार को कि जाए और ST की डिमांड थी उनकी उसको करे, उसके बाद 20 मार्च होता है 3 तारीख को, कुकी कम्युनिटी और जो आदिवासी हैं वो करते हैं और उसी के बाद दंगा फैलता है। तो असल में ये तो हमें पता लग रहा है, लेकिन असल हालात क्या हैं, आप क्या समझ रहे हैं? असल हालात तो ये है कि देखा जाए तो ये बाहरी ताकतें हैं जो इस तरह से हरकतें कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये बाहरी ताकतें हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर सख्ती से जो है निपटे। हम तो यही चाहते हैं कि मतलब जो है शांति वहाँ पर हो, एक कराया गया है दंगा, ये अपने आप नहीं हुआ। अभी जो जैसे डेमोग्राफिक है, जो पांगल कम्युनिटी है, मैतई मुस्लिम,
पहले भी तो वही रहते थे, सारे नहीं सारे मिलकर रहते थे। अब मेहता ही जैसे मेहता ही है, 60% का टोटल पॉपुलेशन लगभग है, उसका भी 10% यानी 100 में 6, अगर 100 आबादी है टोटल मणिपुर की तो 6 लोग मुस्लिम है और वो ना इधर है ना उधर है, तो उनकी उनकी हालत क्या है, क्या खबर आ रही है? खबर आ रही है कि वो भी प्लान कर रहे हैं, खाने तक को नहीं है उनके पास। ऐसे हिंदू भाई भी बहुत से हैं जो प्लान करके दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं। हिंदू और ईसाइयों में तो बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुकी कम्युनिटीज में कुछ लोग, लेकिन वो भी उनकी भी चर्चें जलाई जा रही हैं, हिंदुओं को भी चर्च जलाए गए हैं, मंदिर जलाए गए हैं, मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जी, तो अब क्या लगता है सरकार क्यों नहीं, गृह मंत्री को चाहिए कि वहां जाकर हालात को सुधारें। अगर हालात पहले जब मार्च हुआ था, अगर उसी दौरान जो है गवर्नमेंट कुछ कर लेती तो आज ये बात ना होती। ये जो आरोप प्रत्यारोप को दौर चल रहा है, वो मेहता ही कहती है कि कुकीज कर रहे हैं धंधा, कुकीज कहते हैं कि मेहता ही कर रहे हैं। अभी जो सीज फायर था सरकार के और कुकी कम्युनिटी के बीच में, एक सीज फायर था जिसमें सरकार और उनसे युद्ध विराम सा हो रखा था जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इसमें इलीगल इमिग्रेंट्स का भी मामला आ रहा है कि वियतनाम से कुछ लोग जो चेन जा रहे हैं, और इसमें ड्रग्स की खेती की भी बात हो रही है, तो ये सारे एंगल से क्या क्या समझ में आ रहा है आपको? अगर ड्रग्स की खेती की बात हो रही है, बात को घुमाने के लिए कुछ भी घुमा दीजिए, गवर्नमेंट वहाँ पे क्या कर रही है, ये जिम्मा किसका है? अगर घर के बच्चा कोई बिगड़ता है, उसको उसको उसके माँ बाप को संवारता है ना, तो जिम्मा किसका है? अगर वहाँ के उनका बैठ के सोल्यूशन परमानेंट कर दिया जाता, क्यों टेम्परेरी सोल्यूशन किया उसका? इसका तो सोल्यूशन था परमानेंट। और मणिपुर एक पीसफुल स्टेट है हमारे देश का, एक हिस्सा है हमारे देश का, वो बहुत कीमती हिस्सा है देश का मेरे, उसके अंदर जो लोग रहते हैं बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही सांस्कृतिक लोग हैं, उनकी तो आप मिसाल नहीं दे सकते। इतना शांति प्रिय था, जहाँ देखा जाता झगड़ा ही नहीं था, देखा जाता कभी कभी झगड़ा नहीं हुआ। जब मेहता ही कम्युनिटी जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, तो जब रिजर्वेशन की भी बात आई थी 70 के दशक में, तो मेहता ही कम्युनिटी ने कहा था कोई बात नहीं, आदिवासी हमारे भाई हैं और इनको दे दो। इस तरह की जहाँ मैच्योरिटी थी, वहाँ सडनली ऐसा क्या, ऐसा क्यों हुआ? वो जो जब ये प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है और आरक्षण का जो मामला था, उसी वक्त गवर्नमेंट हरकत में आ जाती तो ये बात ना होती। आपको क्या लगता है इसमें जहरीली जो राजनीति हो रही है? राजनीति जहरीली हो रही है। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये कि देश के अंदर जिस तरीके से नफरत बढ़ रही है, जिस तरीके से एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, जो टॉलरेंस का लेवल वो खत्म हो रहा है, उस वजह से इनको लग रहा है ये कह रहे हैं। और इनकी पार्टी ये चाहती है कि शांति की व्यवस्था हो, पूरे मणिपुर में शांति रहे, हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी हैं, जो तीनों मेजर कम्युनिटीज हैं, वो मिल के रहें और इस प्रॉब्लम का ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन हो। कोई संदेश देना चाहेंगे? जैसे केरला में मुस्लिम और क्रिश्चन और सब धर्म साथ मिलकर रहते हैं, ऐसे ही उनको रखा जाए, प्यार से रखा जाए, उनकी जो ज़रूरतें वो पूरी की जाएँ, उनकी जो मांग है वो पूरी की जाएँ। सरकार में अगर वहाँ पर नाकाबिल ना, उस अगर सरकार से वो चीज़ नहीं समझ रही, सरकार में नाकाबिल है, उसको अपना इस्तीफा देना चाहिए। उसके लिए बेहतर है कि गवर्नमेंट उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करे और उनको फौरन मदद पहुँचाई जाए, जो लोग वहाँ से घर से बेघर हो गए। यही मुस्लिम लीग का संदेश है, यही मुस्लिम चाहते भी है। इंडियन मुस्लिम लीग ने साफ साफ कह दिया, अगर तुमसे हालात नहीं संभल रहे हैं, सरकार से हालात नहीं संभल रहे हैं, तो इस्तीफा दो, घर बैठो, क्योंकि देश जल रहा है तो उसे बचाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है और सरकारें जब नाकाम होती हैं तो यही होता है। आपको क्या लगता है कि शांति व्यवस्था के लिए सरकार दुरुस्त कदम नहीं उठा रही है? अगर नहीं लगता है उठा रही है या नहीं लगता है उठा रही है, अपना जरूर कमेंट में अपनी बात रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत।